नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 5 जून और विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, तो कृपया आज के दिन कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक वृक्ष जरूर लगाएं, ठीक है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो आज का पहला क्वेश्चन, यहाँ पर टॉप मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे विस्तृत जानकारी के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी अभी कौन बने हैं? तो ये हुए हैं हरिकृष्ण द्विवेदी। अल्पन बंदोपाध्याय की जगह लेंगे। तो अगर कहा जाए इनके पहले कौन थे, तो अल्पन बंदोपाध्याय, इनकी जगह कौन लेंगे? हरिकृष्ण द्विवेदी। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहा जाए TCP से संबंधित हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन, राजेश बिंदल एक्टिंग। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा की सीटें 16 और विधानसभा की सीटें 294। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य जो हैं, जो उसकी सीमा से सटे हुए हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल ये तो हो गया है। देखिएगा, अगर कहा जाए कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष की बारे में भी समझ लेते हैं। तो राजकीय पशु है फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी है किंग फिशर और राजकीय वृक्ष है डेविल वृक्ष। दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो कि सुंदरी वन से इसका निर्माण हुआ है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनती है, किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में ही कहा जाता है दामोदर नदी को बंगाल का शोक। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। अगर बात करते हैं हवाई अड्डों की, तो हवाई अड्डे भी पढ़ लीजिए। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोलकाता में है, और बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पे है? सिलीगुड़ी में है। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नियारी वैली, सिंगलीला, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कहाँ पे हैं? कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में, सॉरी। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांधों की अगर बात की जाए, तो फरक्का बांध जो कि गंगा नदी पर स्थित है, दुर्गापुर बांध ए दामोदर नदी पर स्थित है, और कनकशावती बांध ए कंकसा नदी पर स्थित है। अगर बात की जाए कि पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार, तो दुर्गा पूजा यहाँ पे बहुत फेमस है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है, और अगर कहा जाए टोटल कितने, तो टोटल 8 राज्यों से होकर निकलती है। तो अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर चलते हैं, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रिपोर्ट की किसने जारी की है? तो देखिए, ए UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 2030 ये रिपोर्ट की है आपकी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने, और खाद्य एवं कृषि संगठन दोनों ने, ठीक है। तो UNEP खाद्य से संबंधित है, हमारे पर्यावरण के विकास से संबंधित है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 2020 से 21 के लिए UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रिपोर्ट लॉन्च की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के नुकसान और प्रदूषण के 3 गुना खतरे का सामना कर रही है। मतलब जो अगर कहा जाए अपनी दुनिया जो अर्थ है, एक किस किस का सामना कर रही है? जलवायु परिवर्तन का, प्रकृति के नुकसान का और प्रदूषण, ठीक है, इन 3 का सामना कर रही है। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की लागत को छोड़कर वैश्विक स्थलीय बहाली की कीमत या कहा जाए लागत 2030 तक प्रतिवर्ष $200 बिलियन हो जाएगी। बहाली मतलब उसकी निपटाने के लिए। इस बहाली रिस्टोरेशन में निवेश किया गया प्रत्येक $1 आर्थिक लाभ में $30 तक लाभ दे सकता है। तो ये भी याद रखिएगा। देखिएगा किस रिपोर्ट से कौन सा संगठन जारी होता है, ये आपकी स्टैटिक जी के यहाँ से बन के आती है। तो देखिएगा, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ILO इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहाँ पे है? जिनोवा स्विट्जरलैंड में। और आपको बताना है ILO किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये हमारा वॉशिंगटन में है इसका मुख्यालय। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसका मुख्यालय कोलगनी स्विट्जरलैंड में है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, ये हमारी कहाँ पे है मुख्यालय? इसका कोलगनी स्विट्जरलैंड में है। तो ये सारे मुख्यालय भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, तो ये हमारा केरल रहा है। और कहा जाए अभी प्रति व्यक्ति विकास सूचकांक में भी केरल नंबर वन पर है, इसको भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक SDG भारत सूचकांक 2020 की रैंकिंग जारी की है और इसमें केरल कहा किस पर रहा है, शीर्ष पर रहा है। और बिहार का प्रदर्शन सबसे बड़ा कहा जाए, पूरे पायदान में सबसे नीचे कौन है, बिहार है। इस सूचकांक में सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। अगर कहा जाए इस मापदंड में होता क्या है, तो इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है इस मूल्यांकन में। सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं केरल को, जो बन गया है फर्स्ट इसमें, और बिहार सबसे लास्ट में है। हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु को 74 अंक हैं, दूसरे पायदान पर है। और आंध्र प्रदेश गोवा कर्नाटक उत्तराखंड ये हमारे तीसरे 72 पर हैं, याद रखिएगा। अगर कहा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में टेरिटरी में कौन सा शीर्ष पर है, तो ये हमारा चंडीगढ़ हो जाएगा, जो हमारा शीर्ष पर है। अगर बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जो हमारे PM है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। CEO और उपाध्यक्ष में बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसलिए याद रखिएगा। CEO है अमिताभ कांत। नीति आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं, नरेंद्र मोदी ही, तो PM ही होता है। आपको बताना है नीति आयोग का पुराना नाम क्या है कमेंट बॉक्स में। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है, तो ये हमारे महाराष्ट्र ने की है। और डेंसिटी के आधार पर अगर बात की जाए प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र राज्य में ही है। और केंद्र शासित की बात की जाए तो दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व क्षेत्र से COVID-19 प्रबंध को लेकर अच्छा काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को चुनकर पुरस्कार दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि कितनी ग्राम पंचायतें यहाँ पर चुनी जाएंगी, तो यहाँ पर 3 ग्राम पंचायतें चुनी जाएंगी। इसमें पहली ग्राम पंचायत को 50 लाख, दूसरी को 25 लाख और तीसरी को 15 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा, जो उस पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए मतलब इस्तेमाल हो सकता है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में भी यहाँ जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, पुराना नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुंबई का पुराना नाम क्या था, जो अंग्रेजों की देन थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं, गवर्नर भरत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। राजकीय पशु की बात की जाए तो गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष क्या है, आम है। आपको बताना है यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है या उसका नाम क्या है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य जो उसकी सीमाओं से लगते हैं, ये हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19 और विधानसभा सीटें 288 हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SEBI, NSE, BCCI, BSE, इन सभी बैंकों जो चाहे प्राइवेट हो चाहे आपके सरकारी हो, इन सभी के मुख्यालय कहाँ पे हैं आपके, मुंबई में स्थित हैं, इसलिए ए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस फैक्ट को। महाराष्ट्र के अगर प्रमुख हवाई अड्डों की बारे में बात की जाए, जो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में है और बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, दोनों याद रखिएगा। महाराष्ट्र की अगर प्रसिद्ध मंदिरों की बात की जाए तो कैलाश मंदिर जो कि एलोरा, सिद्धिविनायक मंदिर जो कि मुंबई में और महाबलेश्वर मंदिर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बने हैं, तो ये बने हैं विवेक राम चौधरी। और एक किसकी जगह लेंगे, तो ये लेंगे मार्शल HS अरोड़ा की, ठीक है। तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल HS अरोड़ा की जगह लेंगे। बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, इंडियन एयरफोर्स, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ही, मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है, तो ये शिवांगी सिंह बनी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का नाम क्या है, यानी कि महिला फाइटर
पायलट जिन्हें चलाया है उनका नाम है भावना कंठ। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम, जो पहली सिर्फ यहाँ पे फाइटर का नाम नहीं है, सिर्फ भारतीय महिला पायलट का नाम है, तो हरता कौर देओल। अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों को पीड़ा की अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये पूरा एक नाम है, आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो 4 जून को मनाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है, तो इसका मूल उद्देश्य है, इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हुए बच्चों के बारे में जागरूकता फैलाना है, जो कि हमारे समाज में पर्याप्त रूप से चल रहा है। अगर बात करते हैं मई के, तो मई के 10 महत्वपूर्ण दिनों के बारे में भी बात कर लेते हैं या दिवस के बारे में, तो महाराष्ट्र दिवस 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे ILD 1 मई को, थीम कहा जाए तो मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। रिपीट है, बार बार इसलिए आपका रिपीटिशन करवाते हैं ताकि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद उठ रह सकें। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस ये हमारा 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, गुजरात स्थापना दिवस 1 मई, विश्व हास दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा दिवस 4 मई, थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस ये हमारा 4 मई को है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थीम है सेकंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ मेड लाइफ ये 5 मई, थीम है फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मेड लाइफ, तो मेड वाइफ्स। ये देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने ये रहा, 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT कंपनी कौन बन गई है, तो ये विप्रो बन गई है। विप्रो के बारे में जान लेते हैं, विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपए को छुआ है, मतलब इसका ये पहला रिकॉर्ड बना है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इंफोसिस के बाद 3 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी आईटी, मतलब आईटी कंपनी बनी है। अगर कहा जाए पहली दो कंपनियां तो बनेगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो एग्जाम वगैरह करवाती है, और इंफोसिस। अगर बात करते हैं विप्रो के बारे में, तो विप्रो एक भारत की आईटी कंपनी है, स्थापना 29 दिसंबर 1945, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, और चेयरमैन कौन है, रिशद प्रेम जी, तो याद रखिएगा प्रेम जी या रिशद प्रेम जी, प्रेम जी के नाम से सब लोग जानते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो आपको ये बताना है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये अभी हाल ही में डेविड ड्यूप को दिया गया है। डेविड ड्यूप को उनके उपन्यास कहा जाए साहित्य से संबंधित होता है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, क्या बुक से बुकर मतलब आप समझ सकते हैं उपन्यासकार, तो बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सिनेगल की कहानी पर आधारित है। डेविड ड्यूप यह पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रेंच लेखक बन गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर बात की जाए पहले फ्रेंच लेखक जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय, तो ये डेविड ड्यूप हो जाएंगे। टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में भी जान लेते हैं, तो किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडिया बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया, तो HDFC। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बताना है। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो डॉक्टर शरद कुमार लिवाले। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि कहा जाए दादा साहब की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, किस अभिनेता को दिया गया, तो रजनीकांत को दिया गया। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 में किससे सम्मानित किया गया, तो जसपाल सिंह। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किससे सम्मानित किया गया, विष्णुभूषण हरिचंद्रन। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में होगा, तो ये चीन में होगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी कर लेते हैं, 2021 में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का दूसरा यानी कि सेकेंड एडिशन या संस्करण आयोजित किया जाएगा, जो 14 से 16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग शहर में, जो कि कहाँ है, चीन में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कहा जाए कौन सा विषय पर, तो ये रहेगा स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसर होंगे, चुनौतियां और उसके समाधानों का। UNO के बारे में पढ़ लेते हैं, तो UNO
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ट्रगवी ली नार्वे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 2021 के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कहाँ के हैं, पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और कहा जाए मुख्यालय तो या न्यूयॉर्क में है यहाँ का। भारत कब इसका सदस्य बना, तो 1945 में। वर्तमान सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 193 है। और आखिरी कौन सा है, तो 193 में देश दक्षिण सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बर्ड फ्लू के H1N3 यानी कि H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में हुआ है या किस देश में पाया गया है, तो ये चीन में हुआ है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि COVID-19 का वायरस चीन के किस शहर से निकला है। तो कोरोना वायरस महासंकट के बीच मनुष्य के बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने का पहला मामला चीन के पूर्वी प्रांत जियांग्स सू के सामने आया है। H10N3 बर्ड फ्लू वायरस का स्ट्रेन है, तो कहा जाए H10N3 किससे संबंधित है, तो ये बर्ड फ्लू से संबंधित है। कोरोना वायरस की तरह ही इसकी भी शुरुआत कहाँ से हुई है, चीन की। तो चीन के जियांगसू से इसकी शुरुआत हुई है। और आपको बताना है कोरोना की चीन के किस प्रांत से हुई है। तो अब रिवीजन कर लेते हैं इन 10 क्वेश्चनों का। तो पहला था, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव कौन बने हैं, हरिकृष्ण द्विवेदी। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रजिस्ट्रेशन 2021-2030 रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये दोनों ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद और कृषि संगठन यानी कि UNEP और FAO दोनों ने मिलकर इसको जारी किया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले पर रहा है, तो ये केरल रहा है। कहा जाए कितने अंकों के साथ, 74 अंकों के साथ। किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता, तो ये हमारे महाराष्ट्र में हुई है, जिसमें पहले को कितना प्राइज मिलना है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा, तो पहली दूसरी तीसरी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसके कितना रुपये धनराशि पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के उप मुख्य सचिव यानी कि वाइस चीफ कौन बने हैं, तो विवेक राम चौधरी। आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो 4 जून। 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी कौन बनी है, विप्रो। और कहा जाए पहली कौन थी, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो ये डेविड डोक को मिला है। सतत राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन का आयोजन किस शहर में होगा, तो ये चीन में होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में, तो चीन। तो ये थी आपकी करंट अफेयर, आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।